दोस्तों, जय माँ गंगे, हर हर गंगे गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हर की पौड़ी का आज का ताजा नजारा, ताजा दृश्य, ताजा तस्वीर के साथ आप माँ गंगा दर्शन करें। और दोस्तों, मौसम की बात करें तो देखिए आप, धूप भी लगी हुई है, कोहरा भी लगा हुआ है और साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है और काफी सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए आज भी। तो दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। लोकल हो या बाहर का यात्री हो, सबके लिए रोक लगा दी गई है। उस दिन हर की पौड़ी बिल्कुल खाली रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोविड के केस बहुत तेज़ गति में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार फैल रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि 303 केस निकल चुके हैं ओमिक्रॉन के। तो दोस्तों, अगर आप आते हैं आज 11 तारीख, कल 12 और परसों 13, तो 2 दिन आप आ सकते हैं। और मैंने बता दिया है 14 को मकर संक्रांति का गंगा स्नान प्रतिबंधित रहेगा, गंगा स्नान में रोक रहेगी। तो अगर आप 2 दिन पहले आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। 14 तारीख को हर की पौड़ी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। और देखिए आप, और मैं आपको दिखाता हूँ आज का दृश्य। ये देखिए, जल बहुत कम है दोस्तों, जल बहुत कम है, श्रद्धालु फिर भी माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये देखिए आप, और माँ गंगा के बीच में स्नान कर रहे हैं क्योंकि जल बहुत कम है। अब कुछ श्रद्धालु गंगा जल भर रहे हैं। और दोस्तों, ये महिला घाट का दृश्य है, देखिए आप। घाट पूरा खाली है, महिला घाट, और इस घाट में काफी भीड़ है। देखिए आप, तो आपको ले चलता हूँ ब्रह्मकुंड की तरफ। तो दोस्तों देखिए आप, काफी सारे श्रद्धालु तीर्थयात्री तो पहुंचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए, और आज भी काफी भीड़ है। और दोस्तों, जनवरी का महीना है तो ठंड काफी है, पर श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। तो आपको ले चलता हूँ मैं इस तरफ, ब्रह्मकुंड का दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए आप, इस तरफ भी देख सकते हैं, ये देखिए आप। और आपको दिखाता हूँ मैं ब्रह्मकुंड का दृश्य, देखिए आप। जल बहुत कम हो चुका है। और देखिए, काफी सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और काफी सारे श्रद्धालु आ भी रहे हैं। आप देख सकते हैं संजय पुल और अस्थि परवा घाट पर काफी सारे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ले चलता हूँ मैं नाई घाट पर, और देखिए आप, और मैं आपको इस तरफ का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए आप, इस तरफ भी जल बहुत कम हो चुका है, जल यहाँ तक था पेड़ी तक और बहुत कम हो चुका है। तो आपको ले चलता हूँ आगे, और देखिए आज पूरा हर की पौड़ी भरा हुआ है आज भी, और काफी सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। और दोस्तों, आप टाइम देख सकते हैं, आज टाइम सही दिखा रहा है क्योंकि कल भी गलत था, परसों भी टाइम सही नहीं था, गलत दिखा रहा था। और टाइम आप देख सकते हैं 12:35 हो चुके हैं। और आपको ले चलता हूँ मैं नाई घाट, और दिखाऊंगा नाई घाट का दृश्य। और दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, अगर आप गंगा स्नान करने आ रहे हैं मकर संक्रांति के दिन, तो हर की पौड़ी पूरा प्रतिबंधित रहेगा, पूरा बंद रहेगा, गंगा स्नान पर रोक है 14 जनवरी को। और दोस्तों, अगर आप कल या परसों आते हैं तो आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, आप मास्क लगाए रखें। और दोस्तों, यह है नाई घाट का दृश्य, इस तरफ भी देखिए आप, काफ़ी भीड़ है, और इस तरफ भी काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण करवा रहे हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ नाई घाट में जल कितना है और जल का बहाव कितना है। ये देखिए दोस्तों, जल स्तर यहाँ पे भी बहुत कम है, डुबकी लगाने लायक जल नहीं है।
ये देखिए आप, और आपको ले चलता हूँ मैं इस तरफ। तो दोस्तों मास्क बहुत ज़रूरी है, और इस तरफ आप देख सकते हैं जल का बहाव। दोनों तरफ जलस्तर बहुत कम हो चुका है। और आपको ले चलता हूँ सुभाष घाट, और दिखाऊंगा सुभाष घाट में कितना जल है। जल आपको यहीं से दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए आप, जल बहुत कम हो चुका है, ये देखिए। और आपको ले चलता हूँ आगे, तो इस तरफ से काफ़ी सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, ये देखिए आप। तो दोस्तों ये सुभाष घाट की रौनक है, और काफ़ी सारे यहाँ पे होटल है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, और इस रास्ते भी काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं। और देखिए आप, बहुत कम जल है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है बहुत कम जल है, ये देखिए। और आपको ले चलता हूँ संजय पुल पर, और दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं संजय पुल पर, और संजय पुल से दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए देखिए आप पूरा हर की पौड़ी, और देखिए आप। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि 14 जनवरी को गंगा स्नान पर रोक रहेगी, प्रतिबंधित रहेगा पूरा हर की पौड़ी। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप कल और परसों आ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय।